समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा दूसरे चरण के मतदान के बाद हार को महसूस कर बौखलाए बीजेपी नेता, अब जनता को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश। सपा सुप्रीमो ने आज फिर बीजेपी पर करारा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता बौखला गए हैं, रुझानों को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की भाषा बदल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के नेता अभी तक 400 पार की बात कर रहे थे वो अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ना तो बीजेपी सरकार में किसानों को कुछ मिला ना नौजवानों को नौकरियां ही मिली, इसलिए लोग एनडीए से नाराज हैं। सपा कैंडिडेट पर बलिया में हुए मुकदमे पर अखिलेश कुछ कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुकदमा बीजेपी के उन नेताओं पर भी होना चाहिए जो बड़े मंचों से गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे पर टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर को उन्होंने अच्छा बताते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत रहा है। मैं आपका बस हमारे साथ चल करके आए वो मंत्री, कई बार के विधायक इकबाल महमूद साहब, विधायक इंशी यादव, विधायक नाते कुरैशी जी, यहाँ के नौजवान विधायक भाई इरफान साहब, हाजी रिजवान जी, नईमुल हसन, मरमलुल रहमान साहब, जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच पर सांसद प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता और संभल के लोगों ने मन बना लिया है जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में। संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। अखिलेश जी, बलिया के आपके बलिया के प्रत्याशी जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कह दी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिली जुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। प्रियंका, राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है।